हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2020 यानी कि 15 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड घर घर निगरानी ऐप टू अंडरटेक हाउस टू हाउस सर्विलेंस, यानी कि घर घर निगरानी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर निगरानी नाम का ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है पंजाब ने। पंजाब के जो CM हैं जिनका नाम है अमरिंदर सिंह गिल, उन्होंने ये ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिससे कि कोरोना के मरीजों को ढूंढा जा सके जो सामने नहीं आना चाहते हैं और उनका इलाज किया जा सके। तो इसलिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है और इसमें घरों की निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड ए लॉकडाउन ऑन वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि किस राज्य ने ये आदेश दिया है कि जितने भी साप्ताहिक छुट्टी होती हैं और जो भी पब्लिक हॉलीडेज हैं उन सभी पर लॉकडाउन लगा दिया जाए, यानी कि अभी कुछ समय के लिए ये छुट्टियाँ लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये आदेश किस राज्य के CM ने दिया है? तो ये दिया है पंजाब के CM ने, यानी कि वहाँ पर कोरोना वायरस जो है उसको फैलने से रोकने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल टेक चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम, यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम में चार्ज कौन लेगा? तो ये लेंगे विश्वजीत गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो विश्वजीत गुप्ता जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे ईस्टर्न नवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है उसके। और अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो मार्कोस ट्रोएजो, ये NDB के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। कार्मन रेनहार्ट, ये वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट की गई हैं अभी हाल ही में। और आर श्रीलेखा, ये DGP बनी है केरला स्टेट की। नेक्स्ट है, विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च्ड रोबोटिक कैप्टन अर्जुन टू इंटेंसिफाई स्क्रीनिंग, यानी कि रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ता हुआ देखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। तो ये रोबोटिक, एक रोबोट है कैप्टन अमेरिका, वो लॉन्च किया गया है जिससे कि संक्रमण को पहले ही पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। तो रेलवे स्टेशंस पर जो भी यात्री आएंगे उनकी इस रोबोट के थ्रू स्क्रीनिंग की जाएगी। तो ये किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेंट्रल रेलवे जोन ने, और ये पुणे रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया है, वहाँ पर इसको फिट किया गया है। और तो कैप्टन अमेरिका अर्जुन जो है वो किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल रेलवे जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स, यानी कि फीफा रैंकिंग्स में इंडियाज़ की क्या रैंक रही है? तो इंडिया की रैंक रही है 108, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इसमें टॉप किया है बेल्जियम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल वो होता है जब कोई शिप किसी वजह से सागर में, ओशन में डूब जाता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए उसमें जो सामान होता है, जो लोग फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए इस व्हीकल का यूज़ किया जाता है। तो अभी हाल ही में इस व्हीकल का, यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का कॉम्प्लेक्स जो है
उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर टू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशांत सिंह राजपूत हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज ए फेमस, यानी कि अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो एक फेमस एक्टर थे, इन्होंने काइपो 6 मूवी से स्टार्टिंग की थी और उसके बाद ये पीके और एमएस धोनी, यानी कि जो कि हमारी क्रिकेटर हैं एमएस धोनी, उनके ऊपर इन्होंने एक बायोपिक की थी जिसमें इन्होंने लीड एक्टर के तौर पर काम किया था, जिससे इन्हें फेम मिला था और ये काफ़ी फेमस हुए थे, और अभी हाल ही में इन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये हाल की ही है तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं इस वजह से, तो इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, अभिनेता थे, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी कि किस दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को, हर साल इसे 14 जून को मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को ब्लड के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूक किया जा सके, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और उसको सेफ रखने में हेल्प करें। तो इसलिए ये डे जो है वो मनाया जाता है, जिससे कि काफ़ी लोगों की, जिनको टाइम पर खून नहीं मिल पाता और उनकी डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ को कम किया जा सके। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो 2020 की इसकी थीम रही है सेफ ब्लड सेव लिव्स, यानी कि सेफ ब्लड सेव लिव्स जो है इसकी 2020 की थीम रही है। और अगर हम बात करें 2020 के इसके स्लोगन की, तो इसका स्लोगन रहा है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दियर प्लेस। तो आपसे थीम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर स्लोगन के बारे में, बट स्लोगन के पूछे जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन थीम क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आज के, यानी कि 15 जून 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।